वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। कंफ्यूज प्रीपोजिशंस में आज कल से आगे के अर्थात 7 नंबर से कंफ्यूजन को हम पढ़ेंगे और आज पूरे 7 कंफ्यूजन हमारे सामने होंगे जिसे क्लियर कर लेंगे। आज का पहला कंफ्यूजन होगा इन और इनटू के बीच। आप यह जानते हैं इन की हिंदी और इनटू की हिंदी दोनों का मे है, चाहे इंग्लिश मीनिंग चाहे हिंदी मीनिंग सेम है। हाँ, इन इनटू की मे। तो आप यह भी जानते हैं कि इन का प्रयोग हम जब कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में होती है तब करते हैं और वैसे ही इनटू का प्रयोग जब कोई वस्तु मोशन में होती है तब करते हैं, किंतु मोशन कैसा इनवर्ड होना चाहिए। देखिए, मोशन इनवर्ड एंड मोशन आउटवर्ड ये दोनों क्या है, एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे कोई केन ले लिया मैंने, कोई बर्तन ले लिया है, हाँ, और इधर वाटर ही वाटर है, जिधर जिसमें फिश ही फिश स्विम कर रही हैं। अब कोई फिश इधर इन कर गई, हाँ, इस ग्लास में, और फिर इस ग्लास से फिर फिश बाहर भी भाग सकती है। तो जब इन करेगी तो इसको बोलेंगे कि फिश ने इनवर्ड मोशन किया, मतलब बाहर से अंदर आने का मोशन कहलाता है इनवर्ड और अंदर से बाहर जाने का मोशन कहलाता है आउटवर्ड। तो मोशन होगा इनवर्ड, बाहर से अंदर आने का मोशन होगा, उसमें लगाएंगे हम इनटू। देखिए, राम रैन इनटू द रूम, राम रूम के अंदर दौड़ा, तो बाहर से दौड़ कर अंदर आया तो यहाँ पे यहाँ हो गया इनटू। फिर ऐसे ही देयर इज मनी इन द पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब गुल्लक, गुल्लक में पैसा है। तो आप ये जानते हैं जो पैसा वहां पे स्थिर है, रेस्ट पोजिशन में है, इसलिए यहाँ पे इन लगा है। तो पहला कंफ्यूजन इन इनटू का यही हुआ, रेस्ट पोजीशन में इन और मोशन पोजीशन जो कि इनवर्ड होता है वहां पे लगाते हैं हम इनटू। इसके बाद टिल एंड अंटिल, दोनों की हिंदी होती है तक, टिल और अंटिल। कोई निगेटिव किसी का नहीं है, कोई किसी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की हिंदी है तक, टिल की भी हिंदी तक, अंटिल की भी हिंदी तक। अब देखिए होता क्या है, ऐसे तो आप जहां पे टिल का प्रयोग करना है वहां पे अंटिल का, और जहां पे अंटिल का करना है वहां पे टिल का प्रयोग कर देते हैं, किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं और चलता है। लेकिन अगर रूल की बात करें तो टिल का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा कि मैं बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है, उसको देख लेंगे तो कौन सा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है, कौन सा टाइम पीरियड ऑफ टाइम होता है, आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज, टिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और अनटिल का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम में एएमपीएम होता है, देखिए यह पॉइंट ऑफ टाइम है। तो राम डिडंट गो टू बेड टिल 9 PM, राम 9 PM तक बेड पे नहीं गया, तो यहाँ पे टिल आएगा। लेकिन यही अनटिल है, रीमा लिव्ड विद हर मदर अनटिल शी अनमैरिड, जब तक वह अनमैरिड थी या अनमैरिड रहने तक रीमा अपनी माँ के साथ रही। ये हो गया अनटिल का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे अनमैरिड रहने की जो स्थिति है, जो टाइम है, ड्यूरेशन है, यह फिक्स नहीं है, यह इनडेफिनिट है, इसलिए इसको हम पीरियड ऑफ टाइम मानते हैं और यहाँ पे अनटिल का प्रयोग कर दिया। दूसरा भी रूल है, अगर सेंटेंस में शुरू में ही आपको टिल चाहे अनटिल का प्रयोग करना पड़ेगा तो आप शुरू में ही करेंगे अनटिल का, शुरू में टिल कहीं भी नहीं होता है, अनटिल होता है शुरू में। जैसे अनटिल इज, यहाँ पे लिखा है अनटिल इज ऑफन प्लेस एट बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, अनटिल ही को प्लेस करते हैं। जैसे कि अनटिल द फैक्ट्स कम जस्टिस कैन नॉट कम, न्याय नहीं आ सकता है तथ्यों के आने तक, तथ्यों के आने तक न्याय नहीं आ सकता है, यह इसका हिंदी है और शुरू में यूज करना है इसलिए अनटिल का ही यूज करेंगे। तो टिल और अनटिल केवल टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को व्यक्त करते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे आप। तो यह फिनिश होता है टिल और अनटिल का कंफ्यूजन। नाउ अमोंग एंड अमोंग्स का कंफ्यूजन, दोनों की हिंदी एक ही है, के बीच, हिंदी चाहे इंग्लिश मीनिंग एक ही होती है, के बीच। लेकिन अमोंग का कहाँ प्रयोग करेंगे, अमोंगस्ट का कहाँ करेंगे, पहले सेंटेंस देखते हैं। रीमा इज बेस्ट अमोंग अस, रीमा इज द बेस्ट, यहाँ पे भी द लगेगा, रीमा इज द बेस्ट अमोंगस अस, यहाँ पे अमोंगस्ट लगा हुआ है, इधर रीमा इज द बेस्ट अमोंग गर्ल्स, यहाँ पे अमोंग लगा है। देखिए इधर अस है अमोंगस्ट के बाद और यहाँ अमोंग के बाद गर्ल्स है, अस में क्या है, यू है, ये वोवेल है, इंग्लिश का वोवेल है, लेकिन जी इंग्लिश का
कॉन्सोनेंट है। तो अगर कोई वर्ड इंग्लिश का वोवेल से शुरू होता है और वहाँ पे अमोंग या अमोंगस्ट लगाना है तो लगाएंगे खाली अमोंगस्ट, मतलब अमोंगस्ट का प्रयोग वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ होगा, पहले होगा, और जो कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पे अमोंग का होगा। यही है इसका यूज, अगर के बीच के अर्थ में यूज करना है आपको तो। वोवेल कुछ भी आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू, इनसे शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले हम लगाएंगे अमोंगस्ट, और बाकी जितने अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के उसके पहले अगर लगाना है तो अमोंग लगाएंगे। दिस इज कन्फ्यूजन नंबर 9 खत्म होता है। फिर 10 बाई एंड विद। बाई एंड विद दोनों की हिंदी होती है से चाहे द्वारा। तो जब कोई काम कोई पर्सन करता है, कोई एजेंट करता है, पर्सन में कोई एनिमल भी हो सकता है यहाँ पे, हाँ लिविंग थिंग करता है, तो मतलब जो एजेंट करता है डूअर करता है तो उसके साथ लगाते हैं बाई। और जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, किसी हथियार की सहायता से, किसी यंत्र की सहायता से की जाती है तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट उस साधन के पहले लगाते हैं हम विद। देखिए पहले तो पैसिव वॉइस में आपको पता है, पैसिव वॉइस जो बनाते हैं आप तो लास्ट में बाई के बाद आप लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव केस का कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि मी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली पर्संस को ही ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, जो डूअर होता है वही काम करता है उसी को लास्ट में रखना पड़ता है, तो डूअर के पहले लगाते हैं हम बाई। ये क्लियर हो गया पैसिव वॉइस से। अब विद, विद किसी इंस्ट्रूमेंट साधन हथियार, जैसे एन एशे वॉज रिटन बाई मी, यहाँ पे एजेंट जो है डूअर है वो क्या करता है ऐसे लिखता है। दूसरा एन एसे वॉज रिटन विद अ पेन, निबंध पेन से लिखा जाता है, तो लिखा किससे जा रहा है पेन से, साधन क्या है पेन है इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसके पहले विद लग गया। दूसरे सेंटेंस में दोनों मिलेगा, एन एसे वॉज रिटन बाई मी विद अ पेन, निबंध मेरे द्वारा लिखा गया एक कलम से, तो यहाँ पे कलम इंस्ट्रूमेंट है विद, और फिर यहाँ पे मी डूअर है तो यहाँ बाई। नाउ कन्फ्यूजन नंबर 10 क्लियर। अब है यहाँ पे 11 नंबर, इन बिफोर आफ्टर। इसमें कन्फ्यूजन का कारण कुछ भी नहीं है, सबका मीनिंग अलग है, देखने में भी एक जैसे नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है इसलिए इसको यूज किया। इन का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, इन का मतलब में होता है आप जानते हैं, पहले भी देख लिया है इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं, लेकिन बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। ये इसको जानने के लिए मैंने इसको कन्फ्यूजन में डाला है, इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ और बिफोर और आफ्टर इन दोनों का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। देखिए कोमल केम इन अ वीक, कोमल एक सप्ताह में आई, यहाँ पे एक वीक पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे इन हो गया। कोमल विल कम आफ्टर मंडे, कोमल मंडे के बाद आएगी, तो यहाँ पे मंडे क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए आफ्टर आएगा। फिर कोमल ज्वाइंस द क्लास बिफोर 8 PM, 8 PM से पहले कोमल क्लास ज्वाइन करेगी, यहाँ पे पहले बिफोर आया है इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। तो बस आपको इस कन्फ्यूजन में यही ध्यान रखना है कि बिफोर और आफ्टर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं और इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं। अब है एल, इन और विद इन दोनों की हिंदी होती है में, इन की भी और विद इन की भी। अब इन का मतलब क्या होता है, एक टाइम होता है, टाइम यहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया बिफोर और यहाँ पे टाइम लिख दिया। अब अगर इन करेंगे हम, यहाँ पे एक आफ्टर भी लिख दिया, जो टाइम दिया हुआ यह है बिफोर और आफ्टर रहेगा, तो इन का मतलब हो गया कि जो टाइम दिया है अगर एक साल बोल रहा है तो एक साल कंप्लीशन पे अच्छा उसके बाद तक इन का यूज करेंगे, ये हो गया इन। लेकिन विद इन दिया रहेगा तो जो टाइम दिया है उससे पहले वो खाली बिफोर आएगा, यहाँ पे विद इन में खाली बिफोर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इन का मतलब जो टाइम दिया है वह टाइम चाहे उसके बाद चलेगा, लेकिन विद इन अगर दे दिया इसका मतलब जो टाइम दिया है उसके पहले ही खत्म करना है। जैसे देखिए आई शैल बिकम एन इंजीनियर इन अ ईयर, मैं एक साल में इंजीनियर बन जाऊंगा, तो एक साल में तो एक साल कंप्लीशन पे अच्छा एक साल के बाद, एक साल मतलब आज अगर 20 फरवरी है तो नेक्स्ट ईयर 19 फरवरी
चाहे 20 फरवरी, चाहे 21 फरवरी, चाहे 22 फरवरी, चाहे मार्च, कुछ भी एक साल की अवधि या उसके बाद वाला कंसिडर करेंगे इनमें। लेकिन अगर विद इन बोल दिया तो इसका मतलब होगा एक साल के पहले, आई शैल बिकम इंजीनियर विद इन अयर, मैं एक साल में इंजीनियर बनूंगा, मतलब क्या है एक साल के अंदर बन जाऊंगा, मतलब 19 फरवरी से पहले मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद इन एंड दिस कन्फ्यूजन क्लियर्स। नेक्स्ट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड की हिंदी के बगल में, बाय द साइड ऑफ इंग्लिश में बोलते हैं, बिसाइड्स की के अतिरिक्त, हाँ ये इसका इन एडिशन टू यहाँ लिखा भी है बाय द साइड ऑफ और फिर यहाँ पे इन एडिशन टू, हिंदी भी लिखा इंग्लिश भी लिखा है, दोनों का मीनिंग है। तो जब मीनिंग हमें के बगल में यूज करना पड़ेगा तो हम बिसाइड लगाएंगे, और जब के अतिरिक्त यूज करना हो तो हम बिसाइड्स लगाएंगे। कभी भी आप नहीं समझेंगे कि बिसाइड का प्लुरल बिसाइड्स है चाहे बिसाइड्स प्लुरल है बिसाइड का, दोनों ही एक ही बात, ये आप नहीं समझेंगे। दोनों डिफरेंट डिफरेंट इनडिपेंडेंट प्रीपोजिशंस हैं, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, आप देख भी रहे हैं। जैसे हिज हाउस इज बिसाइड अ पार्क, उसका घर पार्क के बगल में है। फिर माई शॉप हैज सीसीटीवी बिसाइड अ गार्ड, मेरा शॉप पे सीसीटीवी है एक गार्ड के अतिरिक्त, मतलब मेरे शॉप पे सुरक्षा के लिए गार्ड भी है और सीसीटीवी भी है। तो कैसे बोलेंगे, माई शॉप हैज सीसीटीवी बिसाइड अ गार्ड, एक गार्ड के अतिरिक्त सीसीटीवी भी है, यहाँ पे के अतिरिक्त हो गया, यहाँ पे के बगल में हो गया। तो इतने ही थे कन्फ्यूजन वाले प्रीपोजिशंस, पूरे 13 थी संख्या। कल के वीडियो में 6 देखा है और आज हम 7 देख लिए, और जितने भी मेनली यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उन सबको कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच।